क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो यहाँ चीजें समझना थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा। जो मेथड मैंने वहाँ ठीक से समझाए हैं उनका मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगा, तो पहले आप उनको देखिए फिर यहाँ आइए, तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा? सेलिंग एन आइटम इन रुपीज 720 इज अ लॉस ऑफ 10%, हाउ मच विल हैव टू सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो यहाँ चीजें आपको समझ आएंगी, नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर देखिए। देखिए यहाँ पर 720 रुपए में सेल कर रहा है, मतलब ये आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 10% लॉस हो रहा है, तो 10% लॉस, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 पर 1 का लॉस, 10 पर 1 घट रहा है, तो घटने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा आपको, 9/10, 10 में से 1 घटाएंगे 9/10, मतलब 10 रुपए का अगर वो खरीद रहा था तो 9 रुपए का बेच रहा है, तो 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलिंग प्राइस को, तो यहाँ पर 9 सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 720 को कंपेयर कराऊं 9 के साथ तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 80, मतलब 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 720 बन जाए, तो इसको मुझे 80 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है इसको आप रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 10 × 80, 10 आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 800 रुपये, मीन्स आपको 800 रुपये का ये पड़ रहा है, आपने 800 रुपये का खरीदा है। अब आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट मतलब 6/5, तो आपको नया एसपी चाहिए, तो एसपी इज इक्वल टू 800 × 5+1 6/5, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नया एसपी मिल जाएगा, यह आएगा आपका 160, और 160 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 रुपये का आपको ये बेचना होगा। एक तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक और डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, उसको आप सीधे अप्लाई कीजिए, आपको आंसर आएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, जिन्होंने नहीं समझा है, नहीं समझ में आए तो रिमाइंड करके फिर से देख लीजिए। आइए अब देखिए, यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस 10% हो रहा है, और कितने में से करें उसको कि आपको 20% प्रॉफिट हो जाए, तो 10% मतलब 1/10, 10 पर 1 का लॉस मीन्स 9/10, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ऊपर किसको दर्शा रहा है, ये आपके सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को दर्शा रहा है, और ये आपके कॉस्ट प्राइस को, तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस यहाँ लिखिए, और जो जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उस वैल्यू को हम नीचे ले आते हैं, तो ये इसको 10/9 लिख दीजिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने 720 से मल्टीप्लाई करा 10/9 को, अभी आपका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, अब ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, फिर आपको इस कॉस्ट प्राइस पर 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 20% का मतलब 1/5, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट, तो 5 में 1 प्लस होगा तो ये आ जाएगा 6, मीन्स 6/5। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आपको मिलेगा 906, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है। तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करके बताया क्या हो रहा है, फिर मैंने आपको ये शॉर्टकट मेथड भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। 25% इज द बेनिफिट ऑफ सेलिंग एन आइटम ऑफ रुपीज 2500, हाउ मच इज टू बी सोल्ड इन सो दैट कैन बी 20% लॉस। तो देखिए 25% का प्रॉफिट हो रहा है 2500 में सेल करने पर, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4/1 का लाभ हो रहा है, तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5/4, तो 5 रिप्रेजेंट टू सेलिंग प्राइस, 4 रिप्रेजेंट टू कॉस्ट प्राइस, ओके। तो 2500 आपका सेलिंग प्राइस है, लिखिए फिर नीचे वो वैल्यू लाइए जो आपको सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 4 आप नीचे लाना है, 5 को आपको नीचे लाना पड़ेगा, तो ये 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस्ट प्राइस को, इट मीन्स ये कॉस्ट प्राइस आएगा, इस कॉस्ट प्राइस पर आपको 20% हानि हो रही लेनी है, मतलब 1/5, तो 5 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 4/5, तो 4/5 से फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1600 रुपये, 25 से 100 बार 4 × 16 16 × 100
1600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आपका फाइनल आंसर 1600, आपको इसको 1600 रुपये में सेल करना होगा। आई होप क्लियर है। और अगर जिनको ये बात क्लियर नहीं हो रही है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, पहले सारे वीडियोस पुराने वाले देखिए जो इससे पहले अपलोड हुए हैं परसेंटेज के साथ, फिर आप यहाँ आइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी वस्तु को 12.5% के लाभ के बदले में 10% लाभ पर बेचा जाता है, तब 2500 रुपये कम मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इफ एन आइटम इज सोल्ड ऑन अ 10% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ 12.5% देन ₹2500 इज लेस, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ दैट आइटम। अब यहां देखिए 12.5% लाभ, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 के बदले 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% प्रॉफिट 1/10, तो उसको 2500 रुपए कम मिलते हैं, उसका आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो यहां पर देखिए 1/8 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 8 में 1 का प्रॉफिट मतलब 9/8 बनेगा आपको, फिर यहां 10 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है मींस 11/10 बनेगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ही वस्तु है, सेम वस्तु को पहले 12.5% लाभ पर बेचा जा रहा था, 12.5% प्रॉफिट पर, फिर उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो मींस उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम होगा, और नीचे आपको जो वैल्यूज हैं वो कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इनको इक्वल बनाइए कि सेम कॉस्ट प्राइस है, तो 8 और 10 का एलसीएम 40 होगा, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 बनाने के लिए, इसको 4 से, तो जो मल्टीप्लाई आपने नीचे की है वो आपको ऊपर भी करनी होगी। अभी आप देखिए ऊपर वाली वैल्यू आपके सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 45, 9 5 या 45, यहाँ सेलिंग प्राइस है आपका 44, 11 4 या 44, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले 45 का आप सेल कर रहे थे, आप 44 का सेल कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस बन रहा है आपको 1, और यहाँ डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2500 रुपये उसको कम मिलते हैं, यहाँ 1 रुपया कम मिल रहा है, यहाँ 2500 रुपये कम मिल रहा है, मतलब 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2500, तो 1 को 2500 बनाने के लिए आप 2500 से ही गुणा करेंगे, 2500 से ही गुणा करेंगे, मीन्स आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा 2500। अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो नीचे वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ये कितनी होती है 40, ये भी 40 सेम ही था, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ आ जाएगा 40 × 2500, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा आपको 1 लाख, उस वस्तु का उस आइटम का जो कॉस्ट प्राइस था वो 1 लाख रुपये था। ये तो हुआ आपका मेथड नंबर 1, इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेथड नंबर 2 और लॉजिकली इसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ अगर आप परसेंटेज में ही देखें तो परसेंटेज में आप देखेंगे 12.5% से उसने 10% लाभ पर उसको सेल किया है, मतलब उसमें कितने परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है 2.5% का डिफरेंस आ रहा है, 2.5% कम पर बेचा है, कॉस्ट प्राइस तो वही था, ठीक है, तो 2.5/100 आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 100 है ये तो कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर 2.5 क्या है डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2500, तो 2.5 रिप्रेजेंट टू 2500, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा आपका 2.5 को 2500 बनाने के लिए आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। अब ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, नीचे कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 1000 × 100, द आंसर इज 1 लाख, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना था आइटम का 1 लाख रुपये था। तो देखिए आंसर यहाँ से भी यही आ रहा है, ठीक है, और भी तरह से इसको सोच सकते हैं कि इसको इस फ्रैक्शन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ 2.5/100, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 0.1/40, तो नीचे वाला वैल्यू कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला वैल्यू डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिफरेंस आपको दिया हुआ 2500, मीन्स आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2500 ही आने वाला है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 40 × 2500, सॉल्व करेंगे तो 1 लाख रुपये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। तो कौन सा मेथड आपके लिए सबसे ठीक है तो आप यहाँ अप्लाई कीजिए, तीनों मेथड एक ही हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का मैंने तरीका बदला है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचा जाता है, तब 550 रुपये कम मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इफ एन आइटम इज सोल्ड ऑन अ 15% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ 12.5% लॉस एंड ₹550 आर लेस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम।
ये भी वही है, आप 12.5% हानि के बदले 15% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है, तब उसे 550 रुपये कम मिलते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ये है, आप इसको 12.5% मतलब 12.5% आपका इस तरफ आ रहा है और 15% आप लाभ ले रहे हैं मतलब इस तरफ जा रहे हैं, तो इस पॉइंट से 12.5% आप इस तरफ जा रहे थे और 15% आप इस तरफ जा रहे हैं, तो दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये मिलाकर ये आपको डिफरेंस बनेगा, ये आएगा 27.5%, ठीक है। तो ये गलती मत कर देना, वहां पर देखिए लाभ था फिर लाभ था, मतलब ये कॉस्ट प्राइस था जैसे, तो ये 12.5% था फिर ये 10% था, तो ये जो डिफरेंस था ये आपका गैप बनना था 2.5 का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस ये है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस से एक तरफ तो आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो डिफरेंस ये बन रहा है ना। एक एग्जाम्पल और देकर मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए एक आइटम 100 रुपये का है, 100 रुपये पर आपने 20 रुपये का लाभ लिया तो आप उसको 120 का बेचेंगे तो किस तरफ आएंगे, 100 रुपये पर मान लीजिए आपने 15 रुपये का लॉस लिया तो आप उसको 85 का बेचेंगे, अब ये 15 इधर आएगा, तो 120 और 85 में डिफरेंस कितने का बनता है, ये बनता है आपका 35 का, यानी कि 15 + 20 35, ठीक है। ऐसी भी सोच सकते हैं 20 आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे आपको माइनस करना है -15 को, मीन्स 20 + 15 = 35, ओके। तो ये तो समझाने के लिए है, लेकिन आप सीधे याद रखेंगे, एक आपका लॉस हो रहा है मतलब नेगेटिव साइड में आप जा रहे हैं, एक आपका प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट साइड में जा रहे हैं, जब आप नेगेटिव पॉजिटिव में जाएंगे तो जो डिफरेंस बनेगा वो उन दोनों का एडिशन होगा, 12.5 और 15 को मिलाकर 27.5%, तो ये आपका डिफरेंस इन दोनों का एडिशन होगा अगर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि गलती आप ना करें, ऊपर मैंने डिफरेंस लिया था क्योंकि दोनों प्रॉफिट थे, अगर दोनों लॉस होते तो अभी हम डिफरेंस लेते, दोनों प्रॉफिट हैं तो अभी हम डिफरेंस लेंगे, लेकिन एक प्रॉफिट और एक लॉस है मतलब एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है, तो आपको उन दोनों का एडिशन करके उन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना बन रहा है 27.5%। तो बाकी मेथड तो मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, तो 27.5/100 ऊपर वाली वैल्यू डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, तो डिफरेंस तो आपको दिया हुआ है कितना 550, तो 27.5 को 550 बनाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 20 × 100 मीन्स 1000। आई होप क्लियर है, तभी आगे बढ़िए, नहीं तो रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो पिछले वीडियोस पर जाइए फिर यहाँ आइए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु को 18% की हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 660 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेलिंग ऑन अ 15% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ अ लॉस ऑफ 18% टू एन आइटम गेट 660 रुपीज मोर, वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम। सेम क्वेश्चन है, अभी हमने किया है लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर 18% लॉस 15% प्रॉफिट, एक लॉस है एक प्रॉफिट है, मीन्स डिफरेंस आपको कितना बनेगा इन दोनों का एडिशन, तो 18% + 15% मिलकर आपको बनता है 33%, दोनों का डिफरेंस आएगा 33%, ओके। तो 33/100, 100 रिप्रेजेंट टू कॉस्ट प्राइस, 100 दर्शा रहा है क्रय मूल्य को, और 33 किसको दर्शा रहा है, डिफरेंस को, आपका जो भी अंतर दिया हुआ है उसको दर्शा रहा है, तो ये कितना है 660, तो 33 को 660 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 20 से, इस आपका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ रहा है 20, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20 × 100 चलिए 2000 रुपये का आपको आइटम पड़ा है, इसका क्रय मूल्य 2000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो पहले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं, जब आप कुछ भी सेल करते हैं और परचेस करते हैं तो उस पर प्रॉफिट और लॉस अगर आप निकालते हैं तो उनका जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के टाइम आपके पास 120 आइटम्स हैं तो कॉस्ट प्राइस के टाइम भी आपके पास 120 आइटम्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर सीधे सीधे, एसपी ऑफ 120 इज सेम एज सीपी ऑफ 120 प्लस, इसके साथ प्रॉफिट भी होगा, कितना हो रहा है एसपी ऑफ
30, तो एसपी से एसपी सॉल्व करेंगे, एसपी ऑफ 30 इधर लाकर आप माइनस करेंगे, तो एसपी ऑफ 120 माइनस एसपी ऑफ 30 कितना आ जाएगा, एसपी इंटू 90 इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है सीपी 120, फिर डिवाइड कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, एसपी अपॉन सीपी, ये 90 उधर डिवाइड में चला जाएगा 120 अपॉन 90, तो यहाँ पर सीपी रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, एसपी रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 30 का अगेंस्ट 90 के अगेंस्ट, ओके, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा आपको, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपको 30 अपॉन 90 1/3 और 1/3, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या आता है आपका 30.3%, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33.1% आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, 120 आइटम का सेलिंग प्राइस था, तो एसपी ऑफ 120, अगर 120 आइटम सेलिंग प्राइस के तो 120 आइटम आपके कॉस्ट प्राइस पर भी होंगे, सीपी ऑफ 120 और इस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में प्लस होगा, और प्रॉफिट है इसके इक्वल एसपी ऑफ 30 आइटम्स के इक्वल, एसपी ऑफ 30, फिर एसपी ऑफ 30 उधर ट्रांसफर करेंगे तो एसपी ऑफ 120 में से एसपी ऑफ 30 माइनस होगा तो एसपी ऑफ 90 आएगा, आपकी जगह मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया यहाँ पर, तो सीपी ऑफ 120, फिर ये सीपी आपका नीचे जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में एसपी अपॉन सीपी, और ये 90 उधर डिवाइड में जाएगा, तो 120 अपॉन 90, तो सीपी रिप्रेजेंट टू 90, एसपी रिप्रेजेंट टू 120, मींस आपको 90 पर 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट 30 अपॉन 90, 1/3, 1/3 इज 33.33%, ओके। तो इसको ऐसे तो आप सोच ही सकते हैं, अगर आप इसको लॉजिकल वे में सोचना चाहें, सीधे सीधे सोचना चाहें, तो यहां बोला 120 वस्तुएं बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ हो रहा है, मतलब मैंने 120 वस्तुएं बेची हैं 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर, तो 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो हटा दीजिए, मतलब 90 वस्तु थी आपके पास, इस पर 30 वस्तु आपने बचा ली, 90 वस्तुएं में आपने 30 वस्तु बचा ली, तो 30 अपॉन 90, 1/3, 1/3 इज 33.33%, इसको ऐसे भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं सीधे डायरेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या है, आफ्टर सेलिंग 30 आइटम्स गेट ए लॉस इक्विवेलेंट टू द सेल प्राइस ऑफ 5 आइटम, देन व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने इसी पर वेस्ट किया है, तो वहां पर बताया था मैंने आपको कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस आपके इक्वल होनी चाहिए प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, तो 30 आइटम्स आपने सेल किए हैं, तो एसपी ऑफ 30 इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 30, अब यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस माइनस होगा, लॉस है एसपी ऑफ 5, मीन्स एसपी ऑफ 5 ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 5 एसपी ऑफ 35 इक्वल्स टू सीपी ऑफ 30, देन एसपी अपॉन सीपी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या आएगा आपको 30 अपॉन 35, सीपी रिप्रेजेंट टू 35, एसपी रिप्रेजेंट टू 30, मीन्स आपको 5 का लॉस हो रहा है किसके अगेंस्ट, 35 के अगेंस्ट, तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 35, 1/7, अब 1/7 आपको पता है आता है आपका 14.28%, तो आपका लॉस परसेंट 14.28%, आई होप क्लियर है, नहीं है तो पिछला क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ आइए, क्लियर हो जाएगा। लॉजिकली कैसे सोचेंगे, लॉजिकल से सोचिए कि 30 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, मतलब जब आपने 30 वस्तुएं बेची तो उसमें से 5 वस्तुएं आपकी लेस थी, तो 30 में 5 प्लस कीजिए 35, 35 पर आपको 5 का लॉस हो रहा है, तो 5 अपॉन 35 मीन्स 1/7 और 1/7 आपको आता है 14.28%। अगर आपको ये 14.28% समझ नहीं आ रहा है तो पहले परसेंटेज की वीडियो देखिए फिर यहाँ आइए, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 रुपए में 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। तो देखिए 40 बटन 1 रुपए में बेच रहा है, तो मीन्स 1 का कॉस्ट प्राइस आएगा 1/40, नीचे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, नीचे आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं और ऊपर आपके पास कॉस्ट है,
तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस पर 10% हानि हो रही है, तो 10% मतलब 1/10, 10 पर 1 का लॉस, तो क्या आ जाएगा आपका 9/10। एक बात और देखिए, यहाँ आप क्या कर रहे थे, इसको सेल कर रहे थे, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये 9/10, तो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट प्राइस को, तो इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो ये आपको करना होगा 10/9। अभी आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, अब इस पर आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट, 6/5 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनता है आपको 3 2 जा 20 10 से ये 2, तो 3 5 जा 15 2 जा 30 मीन्स 1/30। तो नीचे वाला नंबर ऑफ आइटम्स और ऊपर वाली कॉस्ट, मीन्स 1 रुपए में आप कितने बटन बेच रहे हैं, 30 बटन बेच रहे हैं, तो 1 रुपए में आपको 30 बटन बेचने होंगे ताकि आपको 20% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट के लिए यू हैव टू सेल 30 बटन इन रुपीज 1 फॉर 20% प्रॉफिट। तो लगता है मुझे आपको ये क्लियर है, अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो पिछले वीडियोस देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर चीजें पसंद आई हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देना है या कुछ और पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इन वीडियोस का लाभ पहुंच सके।